नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फरखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फरखाबाद से आ रही है। महिला के साथ 5 लाख रुपए करीब जेवरातों की टप्पेबाजी की गई। महिला रोडवेज बस स्टॉप पर शाहजहांपुर जाने के लिए बस का कर रही थी इंतजार। टप्पेबाजों ने बैंक की गाड़ी से छोड़ने के लिए महिला को गाड़ी में बैठाया। महिला से जेवर उतरवा कर एक कागज में टप्पेबाजों ने रखवाया। वहीं टप्पेबाजों ने कागज में लकड़ी के टुकड़े रखकर महिला को वापस देकर वह फरार हुए। जहां ये खबर फरखाबाद से, महिला ने कागज खोलकर देखा तो लकड़ी के निकले टुकड़े। महिला ने चौकी में दी सूचना, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टॉप का मामला। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। वो आइडिया लगाया जा रहा, कौन हो सकता है भाई? आइडिया क्या हुआ आपके साथ? हम फरखाबाद से देवर से आ रहे थे फरखाबाद डिपो पे, तो हम दो आदमी मिले हमें, तो हमसे बोला कि बस नहीं जाएंगी शाहजहांपुर की बस। तो हमने कहा क्यों नहीं जाएंगी? बोले एक्सीडेंट हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। हमने कहा अच्छा। फिर बोला कि उसने हमसे कहा हम भी जा रहे हैं शाहजहांपुर तक, तो हमने कहा ठीक है। तो उसने एक आदमी मिला, उसने हमसे कहा कि तुम ये मत कहना कि सवारी हैं, हमारे घर के लोग हैं। कितने लोग थे बोलो? दो लोग। फिर हमसे कहा सवारी हैं, तो हमने कहा ठीक है। उसने हमें एक लिफाफा दिया, उसने हमसे कहा कि सारी चीज़ उतार लो, बैंक की गाड़ी है सो नहीं करेगी। हमने ठीक है, उसने उस आदमी ने भी अपनी चीज़ उतार के रखी और हमने भी रख ली। जब बस मिल गई तो हमने कहा ठीक है, बस तुम तो कह रहे थे बस नहीं आएगी, तो बस तो आ गई रोडवेज की। तो हमने रोडवेज वाली बस पकड़ी, उस पर हम चढ़ गए। जब हमने कहा हमें कुछ ठीक नहीं लगा, हमने अपनी ये पर्स में से चीज़ निकाली, हमने कहा चीज़ पहने और उसमें से लिफाफा खोला तो ये निकला। चार चूड़ी थी, मंगलसूत्र था, चैन थी। कितने का होगा ये? 8-10 लाख का। 8-10 लाख का। ये घटना किस समय की है? सुबह 7:30 की, 8 की होगी। तो लड़कों को आपने जाते देखा किसी तरफ? जाते गली में घुस घुस के जा रहे थे बार बार। गली में घुस? हाँ। गली भी आपको नहीं याद होगी? नहीं, गली याद है। यही है, किराए पे ही है गली। काले कपड़े पहने थे, उस पर हल्की सफेद कलर की छींट पड़ी थी। अच्छा, तो मतलब दिखने में कैसे लग रहे लड़के? एक थोड़ा हेल्थी था, खूब हट्टा कट्टा, सही मालूम पड़ रहा रईस घर का लग रहा था। और एक थोड़ा काले कपड़े पहने था, एक वो मास्क लगाया था और एक सही था। तो वो पैदल गए थे या गाड़ी से गए थे? पैदल थे वो। नहीं, आप जब गहने लेने के बाद कैसे? पैदल ही लेके आए थे वो मुझे। आपके साथ ही साथ बस अड्डे से हम बस से उतरे, वैसे वो मेरे पीछे पड़ गए। तो आपने किसी से कुछ कहा नहीं ये लोग मैं गहना लेके जा रहा हूं? मालूम ही नहीं था, हमने कहा शायद ये भी सवारी है। वो भी बैग गोल कलर का बैग टांगे था ऐसे पिट्ठू पे, पीठ पे अपनी,